चंडीगढ़ के पांचवे संस्करण चंडीगढ़ लिट फेस्ट चंडीगढ़ लिटरारी सोसाइटी द्वारा आयोजित चंडीगढ़ लेक क्लब में 25 व 26 नवंबर को किया जाएगा। हिंदी, पंजाबी और उर्दू भाषाओं को प्रमोट करने के लिए इस उत्सव में कई प्रमुख लेखकों को शामिल किया जाएगा, जिसमें विश्व प्रसिद्ध पद्म भूषण पुरस्कार विजेता रस्किन बॉन्ड शामिल होंगे। CLS भारतीय साहित्य में रस्किन बॉन्ड को उनके अनूठे योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान कर रहा है। उद्घाटन के बाद रस्किन बॉन्ड का एक घंटे का लंबा डिस्कशन सेशन होगा। ये दो दिन चलने वाले उत्सव के बारे में विशेष तौर से बात करने के लिए नेशनल बस के एडिटर से खास बातचीत करी CLS चेयरपर्सन फेस्टिवल डायरेक्टर एंड IAS ऑफिसर डॉक्टर सुमिता मिश्रा, काउंसिल जनरल ऑफ कनाडा डॉक्टर क्रिस्टोफर गिबन्स और फिक्शन राइटर और फॉर्मर ब्यूरोक्रेट विवेक अत्री ने। हमारे साथ सुमिता मिश्रा हैं और सीनियर IAS ऑफिसर हैं हरियाणा की। वेल, ये पांचवा साल है जो हम लिटरेटी कर रहे हैं और हर साल हमारी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ नया करें। इस बारी सबसे जो एक आकर्षक बात है कि जो भारत के सबसे लोकप्रिय ऑथर हैं श्री रस्किन बॉन्ड जी, वो उनको हमने विशेष तौर से आमंत्रित किया है। वो इनॉग्रल में कीनोट स्पीकर हैं और उनको हम लिटराटी लाइफटाइम अवार्ड से भी नवाज रहे हैं। और मेरे ख्याल से चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सभी की वो एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, बिकॉज वो इस किस्म के ऑथर हैं। इसके अलावा हम एक स्पेशल त्रिभाषीय मुशायरा कर रहे हैं सैटरडे इवनिंग 25 तारीख को। फेस्टिवल 25 और 26 को लेक क्लब पे होगा और इस मुशायरे में भी हमने कोशिश की है कि जो भाषाओं के बीच दीवारें हैं, रेखाएं हैं, उनको मिटाकर उन्हें एक मंच पर लाएं। तो उर्दू, पंजाबी, हिंदी तीनों के जो जाने माने कवि हैं इस युग के, उनको एक मंच पर हम ला रहे हैं। मैम, जैसे आजकल संपत सरल जी की पोइट्री और वो ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, अभी हास्य जो है, तो उस तरह के भी कुछ बुलाए हैं आप लोगों ने? नहीं, हास्य कवि सम्मेलन चंडीगढ़ लिटरी सोसाइटी पहले कर चुकी है और ये बात सच है कि हास्य कवि सम्मेलन के अपने मतलब एक फ़ैन फॉलोइंग है। बट लिटराटी में क्योंकि हमारा आइडिया होता है कि हम जो पूरा एक पूरी जो रेंज है, चाहे वो कहानी हो, चाहे कविता हो, चाहे ऐसे हो, चाहे नॉवल हो, सभी को एक्सप्लोर करें, सो इसलिए सिर्फ हास्य को हमने नहीं इस साल टेकअप किया। ऑल दो पिछले के सालों में हमने हास्य कवि सम्मेलन भी किया और हास्य पे सेशन भी किए, ह्यूमर राइटिंग एंड ऑल। सो आगे कुछ ना कुछ भी ट्राई कि कुछ नया होना चाहिए हर साल। मैम, आजकल सोशल मीडिया का ज़्यादा जोर है, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक हर आदमी अपने जो बुक भी पढ़ना है वो भी सोशल मीडिया पे पढ़ लेता है, तो आप किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं कि बच्चे एक्चुअल में बुक्स खरीदें और प्रमोट करें, इसको भी पढ़ें वो एक्चुअल में इसको? वेल, स्कूल्स में हमारा एक बहुत मेजर आउटरीच प्रोग्राम है। हमने इस फेस्टिवल के लिए भी हर स्कूल को कॉन्टैक्ट किया, हर कॉलेज को कॉन्टैक्ट किया है और हमें रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि जो हमारे सेशन शेड्यूल है उसको देखकर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड बच्चों में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। और इसके अलावा लिटरेटी के अलावा हम साल भर जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हम भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, बिकॉज़ अगर हमने उस जनरेशन तक पहुँचना है तो उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के माध्यम से पहुँच सकते हैं। Yeah, well, we're very proud to be partner countries and we're very grateful for the Chandigarh Literary Society for this opportunity. Last year, we had two Canadian writers and it was a great collaboration, and so we thought, well, why not repeat it? And so we've also again this year been able to invite two writers. They're First Nations writers from Canada, which is especially important for us, and this our 150th anniversary, where reconciliation with Indigenous peoples is one of our four themes for our Canada 150th. Is there any plan to call Indian authors to Canada and have this type of festival over there? I think every year will be a clean slate and there'll be lots of opportunities. But the consulate has also organized with Barsh Dahan, the Dahan Literary Foundation in Canada, an annual event which brings Punjabi writers, so whether they're from, in any language, any of the Punjabi languages, and whether they're Canadian or otherwise,
otherwise, there's a major competition, and we've brought some of those writers here for a reception and discussion with those writers as well. So there's a lot of forums and a lot of opportunities. हमारे साथ अत्री साहब हैं जो पहले हरियाणा गवर्नमेंट में सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे हैं सर आप इस सोसाइटी के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं और क्या लगता है कि ये सोसाइटी जो बच्चों तक चीजें पहुंचा रही है उसमें कितनी कामयाब हुई है ये सोसाइटी 5-6 साल पहले शुरू हुई तो हम लोग कुछ ग्रुप ने ये शुरू किया और पांचवा साल इस इवेंट का भी है लिटरेटी का तो हर साल मैं देख रहा हूं कि यंग लोग जुड़ते जा रहे हैं तो जैसे सुमिता मिश्रा जी ने बताया कि ऑनलाइन कंपटीशन जो शॉर्ट स्टोरी का होता है उसमें 12-13 साल से लेके और बुजुर्गों तक कंपटीशन में पार्ट लेते हैं और बच्चों के लिए एक हमने लास्ट ईयर स्पेशली उनको ट्रेन करने के लिए राइटर्स के तौर पे एक वर्कशॉप भी कराई थी जो फिर उसकी किताब भी हमने छापी उन बच्चों ने जो लिखा तो इस बार भी आप देखेंगे कि रस्किन बॉन्ड के आने की वजह से और भी कुछ पॉपुलर ऑथर्स की वजह से और क्योंकि इस वक्त कोई एग्जाम्स वगैरह भी नहीं होते हमारी टाइमिंग भी नवंबर की परफेक्ट है लेक क्लब पे करते हैं तो काफ़ी यंग लोग जुड़ेंगे और हम ऑनगोइंग कॉम्पिटिशन्स भी कराते रहेंगे सर मैंने पहले भी पूछा कि लोग आजकल खोलते हैं जल्दी से अपना सोशल मीडिया पे लेकिन किताब नहीं पकड़ता कोई हाथ में तो उसको प्रमोट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ये एक बड़ा विडंबना है मेरी भी दो किताबें छपी हैं तीसरी छपेगी तो हार्ड कॉपी पढ़ने में जो मज़ा आता है वो सोशल मीडिया में नहीं आता लेकिन बच्चों को मज़ा आता है उस पर और कुछ लोग जो बिज़ी हैं उनको भी तो मैं ये समझता हूँ कि जब आपके पास सहूलियत है टाइम है और मौका है तो आपको हार्ड कॉपी ही पढ़नी चाहिए और उसकी बात कुछ और है उसकी फील पेज पलटें पढ़ें लेकिन जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या जब आप बिज़ी हैं थोड़ा सा टाइम है आपके किंडल में या आईफोन में या फ़ोन में कोई बुक है तो वो तब पढ़ ली 2-3 पेज वो आसान रहता है बल्कि उसका फ़ायदा भी है और सोशल मीडिया में कुछ अच्छी चीज़ें भी आती हैं तो आजकल हमें हाइब्रिड सा मॉडल बनाना पड़ेगा एक तरफ नहीं जाना चाहिए ज़्यादा किताब भी होनी चाहिए सोशल मीडिया भी होना चाहिए और हम चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी में दोनों को प्रमोट करते हैं हम इसलिए किताबों को प्रमोट तो करते ही हैं लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो उसको हम उसके साथ अलग नहीं हो सकते उसको भी करते हैं अभी हमारी अत्री साहब से बात हुई है सुमिता मिश्रा से बात हुई है और मिस्टर क्रिस्टोफर से बात हुई है और तीनों ने एक ही कहा है सोसाइटी का एम एक ही है जो यंग जनरेशन है उसको टैप करें उस तक जो पोइट्री है जो अलग अलग राइटर्स बुक्स लिख रहे हैं वो उन तक पहुँचे और उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे आज की डेट में सोशल मीडिया में झूठी इन्फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी पहुंचती है एकदम वायरल हो जाती है तो इन लोगों की यही एक एफर्ट है कि सही और राइट इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचे और ताकि इतिहास जो है वो बिगड़े ना रमनीक मुंगिया नेशनल बस के लिए चंडीगढ़ से लेटेस्ट न्यूज और इंटरेस्टिंग कॉमेडी और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल नेशनल बस और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज कीप लाइकिंग